बिलासपुर जिला में शुक्रवार सुबह हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के कारण नाली में आए पानी के तेज बहाव के चलते ददोही के नजदीक पुल के समीप खड़ी ऑल्टो कार बह गई। कार कुछ दूरी पर पुली पर जा अटकी। पानी इतना ज्यादा था कि कार पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण यहाँ पर नई बनी सड़क तक धंस गई। नाले का पानी इस कदर सड़क व पुल पर पहुँच गया कि दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कोई भी वाहन चालक अपने वाहन वहां से नाले जा पा रहा था। व्यवस्था सही न होने से लोगों ने पुल पर जमकर सड़क निर्माण कर रही कंपनी व प्रशासन के प्रति गुस्सा जाहिर कर सड़क को जाम कर दिया। स्थानीय लोग बारिश के दौरान सड़क के बीच बैठ गए। मौके पर पुलिस कर्मियों को पहुंचना पड़ा। पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद सड़क बहाल हुई। पड़ियालक पंचायत के लड़ा गाँव के सुशील ने बताया कि उन्होंने अपनी ऑल्टो कार घर के नजदीक अपनी निजी भूमि में खड़ी की थी, लेकिन सड़क निर्माण के चलते अव्यवस्था इस कदर भारी पड़ी कि उनकी कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर सड़क को बंद कर दिया। दो घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने उचित कार्रवाई कर भरोसा देते हुए सड़क को खुलवाया। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। मैंने इनको पहले भी बोला था कि पुली जब ये नई बनके तैयार होगी तो ये पुरानी तोड़ दो, क्योंकि इस नाले में पानी बहुत आता है। तो इसके आने से मैंने बोला कि ये पानी अगर इसको तोड़ देंगे तो ये पानी आराम से इस पुल के नीचे से जाएगा, लेकिन इन्होंने तोड़ी नहीं और ये आज ये लाखों का नुकसान हो गया। गाड़ी हमारी टूट के नीचे गिरी हुई है। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी है तो ये रोड वाले नुकसान भरें। गाड़ी हमें जैसी थी वैसी चाहिए और ये रोड वालों की ही गलती है। मलकीत थी भूमि और हमारी ये जमीन है, अपनी मलकीत है हमारी, तो इसमें हमने गाड़ी खड़ी की थी तो रोड वालों की गलती है। रोड वालों से हमें वैसे जैसे हमारी स्थिति गाड़ी की तो वैसी चाहिए। बिलासपुर जिला में शुक्रवार सुबह हुई बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के कारण नाली में आए पानी के तेज बहाव के चलते ददोही के नजदीक पुल के समीप खड़ी ऑल्टो कार बह गई। कार कुछ दूरी पर पुली पर जा अटकी। पानी इतना ज्यादा था कि कार पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण यहाँ पर नई बनी सड़क तक धंस गई। नाले का पानी इस कदर सड़क व पुल पर पहुँच गया कि दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कोई भी वाहन चालक अपने वाहन वहां से नाले जा पा रहा था। व्यवस्था सही न होने से लोगों ने पुल पर जमकर सड़क निर्माण कर रही कंपनी व प्रशासन के प्रति गुस्सा जाहिर कर सड़क को जाम कर दिया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए घुमारवी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।